मेहरबान कदरदान साहिबान, अपनी कुर्सी की जो है बेल्ट पूरी तरह से बांध लीजिए और तैयार हो जाइए 12 बजे, क्योंकि 12 बजे वो लाइव कवरेज शुरू होने वाली है और भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला उस आज ही शुरू होने वाला है। ये 8वां मुकाबला है। 1992 से चले आ रहे मुकाबले में भारत ने आज तक कभी हार नहीं देखी है। बराबर का दबाव दोनों टीम पर रहेगा, क्योंकि एक टीम को जीत बरकरार रखने का दबाव रहेगा, एक टीम को अपनी बढ़त को आगे लाना होगा, क्योंकि 7-0 जो अभी तक पिछड़े हैं वो आज तक कभी 7-1 या 6-1 में नहीं तब्दील कर पाए। कोशिश करेंगे आज ये 7-1 को तब्दील करेंगे और भारत चाहेगा कि आज 8-0 का जो आंकड़ा है वो फिट किया जाए। तो दोस्तों आइए जानते हैं एक एक करके क्या इसमें रणनीति होने वाली है, क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है भारत की, और जानते हैं सभी कुछ खामियां और कुछ मजबूती दोनों टीमों की। लेकिन सबसे पहले जो अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं मैच की तरफ और जानते हैं क्या है टीम, दोनों टीमों की मजबूतियां, दोनों टीम की कमजोरी एक एक करके बताते हैं। पहले बात करते हैं भारत की। भारत की मैं सबसे पहले बात करते हैं सुमन गिल की। जो सुमन गिल 2 मैचों से नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनको मलेरिया शायद कुछ बुखार शायद कुछ हो गया था, उसके बाद अभी तक फिट हुए हैं 99%। रोहित शर्मा के बयान से पता चलता है कि सिर्फ वो 99% फिट हुए हैं, लेकिन उनको मैच खिलाना अनिवार्य है क्योंकि उनकी आने से टीम को एक मजबूती मिलने वाली है और बहुत बढ़िया ओपनिंग स्टार्ट देते हैं। उसके बाद देखते हैं किसको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है टीम से, क्योंकि ईशान किशन ने पिछले मैच में अच्छा किया था, तो ये रोहित शर्मा के लिए एक चुनौतीपूर्ण फैसला होगा क्योंकि वो किसे बाहर रखते हैं किसे अंदर खिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ के लोकल बॉय कहे जाने वाले मोहम्मद मियां भाई, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद से बहुत ही ज़्यादा मैच खेले, क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजी जो गुजरात टाइटन्स थी वो उसके टीम का काफ़ी हेड थे और लीडर थे गेंदबाजी के, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन भी किया था इस साल भी और पिछले साल भी आईपीएल में। तो कहने का मतलब क्या उन्हें मौका मिलने वाला है इस टीम में, क्या उन्हें एक बार फिर से आईपीएल में और पिछले मैच के मुताबिक क्या उन्हें इस टीम में मौका मिलने वाला है। गौतम गंभीर के बयान से जब पता चलता है कि भारत ने पहली बार आज तक पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग अटैक बना ली है, ऐसा पता चलता है कि भारत के पास पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग अटैक है। बुमराह, समी और सिराज, हार्दिक पांड्या, अश्विनी, जडेजा, कुलदीप यादव, ये भारत के अच्छी बॉलिंग अटैक होने के बाद पाकिस्तान की कुछ बॉलिंग अटैक पर नज़र डालते हैं। हरीश राउफ और हसन अली के इन 3 तिगड़ी से बचकर भारत को रहना होगा, क्योंकि ये 3 तिगड़ी भी भारत को काफ़ी परेशान भी कर सकती है। वहीं बात करें स्पिनर की, यहाँ इनके पास स्पिनर में शादाब और कुछ और स्पिनर हैं जो भारत को परेशान कर सकते हैं, लेकिन फास्टर से काफ़ी बचना होगा भारत को। वहीं बैटिंग की बात करें तो सबसे खतरनाक दिख रहे रिजवान, जो लगातार दोनों मैच में 50 और 100 का आंकड़ा छुआ, तो उससे भारत को काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा बाबर का बल्ला जरूर खामोश रहा है अभी तक, हो सकता है कि बाबर इस मैच में कुछ अपनी हलचल दिखाने की कोशिश करें। वहीं बात करते हैं इसमें सबसे एक्स फैक्टर कहे जाने वाले इफ्तिकार अहमद वहीं फिनिशिंग का रोल निभाते हैं, तो भारत को उन्हें कोशिश करना होगा लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में उन्हें कंट्रोल में रखा जाए। वहीं अगर बात करें ओपनिंग के, तो ओपनिंग में इन मामूल हक को मौका मिलता है या किसी और को, या फखर जमान एक बार फिर उनकी जगह लेते हैं, ये देखने की बात है क्योंकि प्लेइंग 11 क्या रहने वाली दोनों टीमों की। अगर हम भारत की बात करें तो हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में अपने अपनी राय दें और अपने अपने कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से प्लेइंग 11 को दिखाएं, क्या उनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है भारत के लिए।